अस्सलामुअलैकुम। आज आप देख रहे हैं मलिक हसन ऑफिशियल चैनल को। तो आज हम आपको दिखाएंगे हॉर्स राइडिंग करके दिखाएंगे, ठीक है, और साथ में दिखाएंगे और सिखाएंगे भी कि कैसे करते हैं हॉर्स राइडिंग। तो आज हमारे साथ चलें, आप आज हम आपको दिखाते हैं, चलें। तो ये है ड्यू, आप देख सकते हैं भैंस वगैरह हर चीज़ है यहाँ पर। यहाँ से ही दूध ले कर सेल किया जाता है, आगे शहरों में जाता है। तो आप देखें, ये है किसानों की असल पहचान, इसे कहते हैं ट्रैक्टर, इससे बंदा ज़मीनों में हल चलाता है। तो ये है असल पहचान किसानों की, ठीक है, इससे ज़मीनों में हल चला जाता है, जिसकी वजह से ज़मीनें बड़ी हो तो पट्ठे वगैरह लग के इधर खाद वगैरह लग के आगे जाती है शहरों के अंदर। तो ये है पीछे आप घोड़ा देख रहे हैं, तो इसके ऊपर आज हम राइडिंग करेंगे और आज हम आपको दिखाएँगे। हाँ जी, ये है काला शेरू। हाँ भाभी, ऐसा ऐसा सब अच्छे है, वो चल रही। तो ये देखें आज ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे दे रहा ही है, ठीक है, और साथ में आप फसलें भी देख सकते हैं, और साथ में आप ये बाग दे सकते हैं जहाँ पे माल दूखते हैं। तो ठीक है, थोड़ा ना यहाँ पे आके थोड़ा ना अचानक खांसी से लग गई, हल्की सी, कोरोना नहीं है, बस वैसे ही खांसी लगी है। तो यहाँ मेरे पीछे का व्यूज़ दे सकते हैं, आगे का दिखा नहीं सकता क्योंकि सूरज इतना कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। तो आप इस तरह ही सपोर्ट किया करें हमें, ठीक है, जाके हम आपको अच्छी सी वीडियोज़ दिखाएँ ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपसे। सब्सक्राइब किया करें हमारे चैनल को और साथ में लाइक भी किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो और ये देखें, हम आपको गांव की चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है, गांव की चीज़ें दिखाते हैं, वो इसलिए दिखाते हैं तो आपका भी इंटरेस्ट बढ़े गांव में आने का, आपको भी पता चले गांव की ज़िंदगी कैसी है। तो इसलिए हम आपको ना इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं ताकि आप भी मोटिवेट हों गाँव से। गाँव वाले जो हैं यहाँ से चीज़ें शहर जाती हैं, जो आप लोग खाते हैं ना गंदम वगैरह, वो यहाँ से सब कुछ बन के जाता है। तो आप रिस्पेक्ट किया करें किसान की, वो इसलिए क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं, इनको मिलता कुछ भी नहीं है, आपके सामने जो बन के आ जाती है ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, पर कदर हमें किसानों की करनी चाहिए क्योंकि इनकी वजह से सब कुछ हमें मिलता है। ये अभी बस काम फिनिश होने वाला है, ये फैसल भी पीछे काम कर रहा है, तो अभी थोड़ी देर तक बस उसे निकालेंगे, तो अभी उसी का ही वेट हो रहा है। पर व्लॉगिंग है, ये एक सुकून सा है यहाँ पर ना, ये देखे माशाल्लाह से। ये अभी इसे निकाल लिया और अभी इस पर करेंगे राइडिंग, फिर देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। अभी पानी पी कर फ्रेश हो जाए, फिर करते हैं इस पर। अभी सेटिंग हो रही है इसकी, वो फैसल लेने गया है, वो जो इसके आगे डाल करना है, फिर उससे वो आसानी होती है, नहीं तो ऐसे इसको नहीं चला सकता कोई भी। कोई को होते हैं जिनको बंदा चला सकता है, लेकिन अक्सर नहीं होते हैं। ये वैसे एक डांसिंग घोड़ी है, तो वो भी कभी आपको इसका डांस भी दिखाएंगे, हमें फैसल करवा लेता है, लेकिन हम अभी खुद सीख रहे हैं और अभी आपको भी सिखाएँगे आगे। ये लेकर आ गया, अभी ये डालेंगे इसे और फिर डाल कर आगे फिर करते हैं इस पर राइडिंग। पहले फैसल करेगा, फिर भी ये हमें सिखाएगा।
जैसा घोड़ा पवाया तां वास्ते भी मैं ना आम बंदे दिखती कभी नहीं इस तरह के मोह गर्मी शर्मी बड़ी होंगी सुबह में नवाया ये नवा के मैं बता अभी ये डाल लिया अभी पहले फैसल इस पर बैठेगा फिर आगे हम बैठेंगे मैं इस पर पहले भी राइडिंग कर चुका हूँ लेकिन कशान ने अभी एक दफ़ा भी नहीं इस पर की और मैं दो दफ़ा गिर भी चुका हूँ इससे ये अभी सेटिंग हो रही है इसकी सारा कुछ ऊपर बैठने के लिए ये भी बाहर निकल रहा भी चाहिए सेटिंग अभी सारी हो चुकी है इसकी और अभी ये इस पर बैठने का टाइम आ रहा है ये पहले फैसल बैठेगा फिर किशान और उसके बाद मैं ये कर रही है ये डांस ये मैं आपको बता रहा था ये एक और भी कैमरा मैन अभी शूटिंग पे है माशाल्लाह से ये देखिए आप कैसे ये डांस करती है अभी करने जा रहा है किशान फर्स्ट टाइम राइडिंग उसको मैंने तो पहले की हुआ है शायद मैं आज ना करूं मुझे थोड़ी जल्दी भी है और आज ये किशान ही करेगा अभी बच्चा थोड़ा सा नर्वस है राइडिंग करने के लिए इस नहीं करे दोबारा चढ़ के सिखाए ना ये अभी ऊपर बैठने जा रहा है किशान इसके बाद फिर मैं फिर किसी दिन बैठूंगा यार माफ कर चौधरी